जिला कलेक्टर ने 50 करोड़ से अधिक की राशि का लगाया चूना। मध्य प्रदेश शासन की 50 करोड़ से अधिक राशि का चूना लगाने का प्रकरण सुर्खियों में है। ये यहाँ पर नवीन उपज कृषि उपज मंडी लाई जानी थी चंगेरा में, और इस चंगेरा गांव में भूमि का अधिग्रहण हुआ, भू अर्जन हुआ, अधिग्रहण हुआ और शासन का पैसा वितरित कर दिया गया। और जबकि मध्य प्रदेश मंडी कानून जो बने हुए हैं उसका स्वतः उल्लंघन भी कर डाला, जबकि एक मंडी से दूसरे मंडी की दूरी जो होती है वो 20 किलोमीटर होना चाहिए न्यूनतम दूरी, एक मंडी से दूसरे मंडी की दूरी न्यूनतम 20 किलोमीटर होनी चाहिए। जावद में मंडी जो बनी हुई है कृषि उपज मंडी, और ये जो डुंगलादा में जो सरकारी जमीन पर जो और निजी जमीन पर जो मंडी बनी उसकी दूरी मात्र 13 किलोमीटर है, और ये मंडी कानूनों का उल्लंघन कर प्रस्ताव भेजा गया। पदेन कलेक्टर उस समय के, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने मंडी कानूनों की अनदेखी की, अनदेखी कर कानूनों के जो दायरे हैं, जो सीमा हैं दूरी की, उसका उल्लंघन किया और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेज दिया। और मध्य प्रदेश शासन के मंडी बोर्ड ने भी पदेन कलेक्टर के आदेश को माना और यहाँ पर नई कृषि उपज मंडी की प्रस्तावना को मंजूरी देकर आधारशिला रखने का प्रयास किया। जबकि आज ये कृषि उपज मंडी कानूनों के दायरे में उलझी हुई है और यहाँ पर यथासंभव कृषि उपज मंडी स्थापित नहीं हो सकेगी। उसका कारण है जो कानून बने हुए हैं उनमें न्यूनतम दूरी 20 किलोमीटर होनी चाहिए। तो क्या कलेक्टर ने जो प्रस्ताव भेजा था वो अवैध प्रस्ताव था, कानूनों का उल्लंघन कर प्रस्ताव भेजा गया था, और मंडी बोर्ड ने उस प्रस्ताव पर जो राशि दी मध्य प्रदेश शासन की, बताते हैं 59 करोड़, जबकि हमको पता है कि 50 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ के बैंक खातों में जमा भी पड़ी हुई है। आज कितना भू अर्जन हुआ ये वर्तमान कलेक्टर बता पाएंगे, शासन को कितनी राशि का चूना लगा और कितनी आज राशि बैंक के अंदर पड़ी हुई है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जब ज्ञान नहीं था कानूनों का तो यहाँ पर प्रस्ताव क्यों भेजा गया जिला प्रशासन द्वारा, और मध्य प्रदेश शासन के करीब 59 करोड़ रुपए का चूना लगाने के जिम्मेदार जो भी अधिकारी है उन पर क्या गाज गिरेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये न्यायालय तय करेगा।